बात कर लेना मेरा। देखिए, हम किसी मस्जिद को मंदिर बनाने नहीं जा रहे, हम किसी चर्च को मंदिर बनाने नहीं जा रहे। हम तो जो हमारा हक है, जो हमारे भगवान भोले शंकर का, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, जहां आपने नजायज रूप से मस्जिदें बना करके 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हो, उसको मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं के सीधे सीधे हमारी ये बातें समझ जाए मुसलमान मुल्ला मौलवी। अगर नहीं समझेंगे तो दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी हनुमान भगवान। गोयल जी, आप लोग आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 6 दिसंबर है, हिंदुओं का गौरव का दिन है। 6 दिसंबर 1992 को हमने तथाकथित बाबरी ढांचे को नेस्तानाबूद किया था, जिसके कारण से आज वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 6 दिसंबर 1992 से लेकर लगातार आज का दिन हम ये दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज 6 दिसंबर है, सबसे पहले हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन किया है, उनके पुण्यतिथि है, और साथ साथ 5 लाख का सेवक जिन्होंने पिछले 500 सालों में राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए बलिदान दिया, उनको भी हमने नमन किया है। साथ साथ हमने सरकार से मांग की है कि जो 90 में कार सेविकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, कार सेविक बलिदान हुए थे, उनको गोलियां चलाने का आदेश देने वालों को मुकदमे दर्ज हों और कार सेविकों के परिवारों को 5-5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आज हमने यहां पर श्री कृष्ण जी का जलाभिषेक भी किया है। हम ये कहना चाहते हैं, हम 2019 में हम लोग कोर्ट में गए थे, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से हमने कोर्ट में एक दरख्वास्त दी है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के ऊपर जो तथाकथित ईदगाह मस्जिद बनाई गई है वो वहाँ से हटनी चाहिए, हटा लें। अगर आप सह सम्मान हटाते हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आपको 1.5 गुना जमीन जितनी जगह मस्जिद बनी है उससे ज़्यादा वृक्ष राशि कोष के बाहर कहीं भी खरीद के दे देगा, ताकि वहाँ अपनी आप मस्जिद बना सकें। तो ये आज हमने यहाँ जलाभिषेक किया है। इसके साथ साथ जो हमारी प्रमुख मांग है कि जो कुरान में 24 आयतें हैं, जो खुलेआम गैर मुसलमों को मारने का, कूटने का, लूटने का, जलाने का आदेश देती हैं, उन आयतों को पढ़ने पर रोक लगाएं या मुल्ला मौलवी कुरान से उसको हटवाएं, ये भी हमने आज अपनी प्रमुख मांग रखी है। गोयल जी, एक नारा बहुत चल रहा है कि अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की बारी है, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की जो मांगे हो रही है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा? 2019 में कोई चुनाव नहीं जब हम कोर्ट गए, और हमने तो 6 दिसंबर को जब ढांचा तोड़ा उस वक्त भी कहा था कि तीनों लेंगे हम, अभी अयोध्या तो हमारी है और मथुरा काशी की बारी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम मुस्लिम समाज के मुल्ला मौलवी से कहना चाहते हैं, सह सम्मान रहना चाहते हो, 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हो, तो सम्मान पूर्वक मथुरा और काशी
हमारे हवाले करो, अपना मलबा वहां से हटा करके चाहे पाकिस्तान ले जाओ चाहे अफगानिस्तान ले जाओ, ये हिंदुस्तान है, हमारे हिंदू भोले बाबा हमारे कृष्ण भगवान की जन्म स्थान के ऊपर ये मस्जिदें हटनी ही चाहिए। और आप आबादी बढ़ा बढ़ा करके हमारे हिंदुस्तान को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो बंद कर देना चाहिए आपको। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हम दो हमारे दो के नियम को माने। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया हमारी खून पसीने की कमाई मुसलमानों को परोसी जा रही है, मुसलमानों को मदरसों में भारी पैसा अनुदान दिया जा रहा है, मेरे टैक्स का पैसा, मेरे खून पसीने की कमाई जो मुसलमानों को दी जा रही है, और मदरसों में खुलेआम हिंदुओं को मारने का, लूटने का, काटने का देश दे करके पूरे देश दुनिया में आतंकवादी पैदा की जा रहे हैं। ये आतंकवाद की नर्सरियां बंद होनी चाहिए। और हमारा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज डिक्लेयर होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद 1976 में धर्मनिरपेक्ष कानून जोड़ करके, सब जोड़ करके हमारे देश को धर्मशाला बना दिया। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था उसका बेस क्या था कि मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान मांगा, तो मुसलमान पाकिस्तान चले गए, बन गया इस्लामिक स्थान, इस्लामिक देश। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राज डिक्लेयर होना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। हमारी ये मांग है कि भारत को हिंदू राज डिक्लेयर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे हिंदुओं के मंदिर मठ हैं कई स्टेटों में सरकारों ने कब्जा कर रखा है, हमने ये मांग रखी है। जैसे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने पूरे देश के गुरुद्वारा का प्रबंधन करती है, वैसे ही हमारी मंदिर मठ संचालन कमेटी संतों के मार्गदर्शन में बननी चाहिए। हिंदुओं के मंदिर मठों को रख रखाव का जुम्मा हमारे हिंदुओं का होना चाहिए, ना कि किसी सरकार का होना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं, हमने यहाँ जलाभिषेक किया है भगवान कृष्ण जी का। सिंबॉलिक रूप से हम कहना चाहते हैं मुल्ला मौलवियों को कि आप ठीक ठाक हो जाओ और हिंदुओं का सम्मान उनको वापस करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम कहना चाहते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी भोले बाबा का मंदिर है, कुतुब मीनार 28 जैन हिंदू मंदिर तोड़ के बनाई गई है, वो भी हमें याद है। अगर आप सीधे सीधे नहीं मानोगे तो हम ये सब लेके रहेंगे। हम तुम्हारी मस्जिदें नहीं मांग रहे, हम तो अपने मंदिर मांग रहे हैं, अपने भगवानों के सम्मान के प्रतीक मांग रहे हैं। ये हमारा हक है और ये हमें चाहिए ही चाहिए। गोयल जी, विपक्ष ये कह रही है कि जब जब चुनाव आते हैं इस तरह के आंदोलन तूल पकड़ लेता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का तो काम कहने का है, विपक्ष तो राम मंदिर नहीं बना, जब भी कहते थे सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब मंदिर बन गया है तो केजरीवाल जा रहा मत्था टेकने के लिए, मंदिर बन गया है तो राहुल गांधी जी जनेऊ पहन के घूम रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी जा रही हैं, अब सब वहां जा रहे हैं। आज देश की पॉलिटिकल पार्टियों को पता लग गया है कि हिंदुओं का शोषण करके, हिंदुओं को अपमानित करके, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में सत्ता में नहीं आ सकती। जिसने हिंदुस्तान पे राज करना है उसे हिंदू हितों का ख्याल रखना ही पड़ेगा, गोवंश हत्या बंद करनी ही पड़ेगी, हमारे संतों का सम्मान करना ही पड़ेगा, हमारे मंदिर मठों का सम्मान करना ही पड़ेगा, और देश के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा। जितने हमारे सम्मान के प्रतीक हैं ये हम हिंदुओं को मिलने चाहिए, ये हमारे हैं, हमें मिलने चाहिए, और भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। वी वांट हिंदू राष्ट्र, वी वांट हिंदू राष्ट्र, वी वांट हिंदू राष्ट्र, हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। जैसा कहा जा रहा है, अभी रामनाथ कोविंद गए थे एक मंदिर में तो उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रामनाथ कोविंद जी हमारे मामले महामान्य राष्ट्रपति जी हैं और उनको ऐसा कोई भी ऐसा मंदिर हिंदुस्तान का नहीं है जिसमें किसी को रोका जा रहा हो। राष्ट्रपति जी तो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, उनको कौन रोक सकता है? तो हमारे हिंदू मंदिरों में सारे हिंदुओं को जाने का अधिकार है, जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू एक हैं। हम सब किसी भी मंदिर में जाके अपना मत्था टेक सकते हैं,
पूजा पाठ कर सकते हैं, ये सारे हिंदुओं का अधिकार है। जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों को सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो हम दिल्ली में भी अपना आंदोलन जारी करेंगे, आपको नहीं लगता है कि इस तरह के भाषा से सौहार्द खराब होगा? सौहार्द ठीक करने का ठेका हमने ले रखा, ये लव जिहाद करके रोज मेरी बहन बेटियों को निकाल निकाल के ले जा रहे हैं, बहरा बजा के मोड़ी दांगर टिक्का लगा के, ये कोई सवाल ठीक हो रहा है? मदरसों में खुलेआम कुरान पढ़ाई जा रही है, जो गैर हिंदू है इनको कूटो मारो लूटो, इनकी संपत्ति पे कब्जा करो, इनकी बहन बेटियों पर कब्जा करो, यहाँ कौन सा सवाल ठीक हो रहा है? आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं, आए दिन अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से थोड़ा प्रेम भी कर लेता है तो मुसलमान घर में घुस के उसका मर्डर कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये कौन सा सद्भाव है? सद्भाव एक तरफ से नहीं हो सकता। हम कहना चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान में जितने भी सरकारी संसाधन हैं अगर सबसे किसी का पहला हक है वो हिंदुओं का है, ना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहा था जितने भी सरकारी संसाधन हैं सबके ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। मुसलमानों का क्यों है? सबसे ऊपर पहला हक हिंदुओं का है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है। अगर हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? आज पाकिस्तान में हिंदुओं से क्या हो रहा है, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, आज अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया देख रही है आप मीडिया के माध्यम से, और भुगत भी रही है और सुन भी रही है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इसमें सबसे पहला हक सबसे बड़ा सम्मान हिंदुओं को होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग। इसका कप्तान श्री जय भगवान गोयल हो, उसकी मूछें ऊंची रहेंगी, हाथ में तलवार रहेगी, और बिल्कुल जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और बिल्कुल ललकारेंगे, और पहले भी बाबरी अगर ढांचा तोड़ा था आदरणीय जय भगवान गोयल जी ने तोड़ा था, और आज फिर ललकार रहे हैं और मांग कर रहे हैं, जायज मांग है। अगर कुतुब मीनार के नीचे आप अवशेष देखेंगे तो हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि उसके नीचे शंकर भगवान जी का मंदिर निकलेगा, जामा मस्जिद के नीचे, क्योंकि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया मुगलों ने, और वो हमारी आत्मा है, और आज अगर हम सही मांग कर रहे हैं आज अरे भैया एक सेकंड के लिए बस दो फोटो ले लेना, बस मुझे आज दो फोटो बस। दुनिया भर के हिंदू एक हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, बना के रहेंगे हिंदू राष्ट्र, लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र, लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र। हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र। We want हिंदू राष्ट्र, We want हिंदू राष्ट्र, We want हिंदू राष्ट्र, We want हिंदू राष्ट्र, लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र, लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र, लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र। हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र, लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र।